दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां वर्ल्ड नंबर 1 इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के हाथों हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, और इसी के साथ न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा। दोस्तों, मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, पर उसके बावजूद उनकी टीम यहां मुकाबला हार गई, जिसके बाद मोइन अली ने हार से इतने दुखी दिखाई दिए कि उन्होंने अपनी टीम को MS धोनी से सीखने की नसीहत दे डाली और ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हार के बाद क्यों मोइन अली को धोनी याद आ गए, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि MS धोनी और इयान मॉर्गन में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 10 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जहां 2019 वर्ल्ड कप के दोनों फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने थी, और दोस्तों न्यूजीलैंड ने आखिरकार पिछली वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, मैच में टॉस जीतकर केन विलियमसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले ओवर से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खामोश करने में कामयाब रहे। दोस्तों, पहले 6 ओवर में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 40 रन बनाने में कामयाब हुई और इस दौरान उन्होंने जॉनी बेयरस्टो का विकेट भी गंवा दिया। वहीं दोस्तों, अब तक शानदार फॉर्म में रह चुके जॉश बटलर भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ 29 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने एक शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को संकट से निकाल दिया और दोस्तों मोइन अली ने अंत तक बल्लेबाजी की और 37 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली और आज अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। दोस्तों, इस दौरान उन्हें डेविड मलान का साथ मिला, जिन्होंने 41 रनों की पारी खेली और लिविंगस्टोन के 17 रनों ने बखूबी साथ निभाया और इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 166 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक कदम ऊपर जाकर इतनी शानदार बैटिंग का नजारा पेश किया कि जहां 15 ओवर में एक समय 107 रन पर 4 विकेट गंवाकर न्यूजीलैंड की टीम मैच में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी और अंतिम 5 ओवर में जिम्मी नीशम के धमाकेदार 27 रन और ओपनर डेरिल मिशेल के शानदार 72 रनों की बदौलत इंग्लैंड की टीम एक ओवर शेष रहते ही मुकाबले को 5 विकेट से जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का दिल जैसे टूट ही गया। दोस्तों, मोइन अली ने हार के बाद कहा कि उनके खिलाड़ियों को इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, जैसे धोनी अपने गेंदबाजों को रोटेट करते रहते हैं, हमारी टीम ने शायद वो मिस कर दिया। यहां पर गेंद घूम रही थी और सभी ने देखा कि जैसे लिविंगस्टोन ने 2 अहम विकेट चटकाए थे, शायद मुझे अब गेंदबाजी करने का मौका मिला होता तो मैं इस मुकाबले में गेंद से कुछ अहम योगदान दे सकता था। मैंने IPL के दौरान भी CSK के लिए मुश्किल हालातों में गेंदबाजी करी है और धोनी का भरोसा हमेशा मेरी गेंदबाजी पर रहा है, लेकिन हैंड साइड में हम कुछ भी बात कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा खेला है और वो जीत डिजर्व करती है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मोइन अली को आज मैच में गेंदबाजी करने का मौका मिलना चाहिए था या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।